थी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसे नवंबर को भारतीय संविधान लागू हुआ। आज ही का है वो पावन दिन जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र गणतंत्र घोषित हुआ। फ्लैग हैंडओवर करने की औपचारिकता को पूर्ण करें। माननीय श्री समीर सोमैया जी को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करती हूँ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, पार्षद के उपनाम से मशहूर।
श्यामलाल गुप्त जी की लिखी ये पंक्तियाँ जो कि झंडा गीत के नाम से जानी जाती हैं, कितने सरल और शक्तिवान शब्दों में हमारे झंडे का वर्णन यहाँ किया गया है। तिरंगा अर्थात तीन रंगों से निर्मित, केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक, श्वेत रंग शांति और सच्चाई का संदेश देता है, हरा रंग समृद्धि और उर्वरता को दर्शाता है और बीच में 24 आरोह वाला चक्र सदैव गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। एक सैनिक के लिए तिरंगा इससे कहीं बढ़कर अपने प्राणों से प्यारा है। एक सैनिक के दिल की बात, हिमगिरी का उत्तुंग शिखर हो कल कल बहती गंगा हो, हिमगिरी का उत्तुंग शिखर हो कल कल बहती गंगा हो, जन्म यदि लूं फिर मानो का हाथ में यही तिरंगा हो, मेरे हाथ में यही तिरंगा हो, जब जब आऊं इस धरती पर भारत मेरा वतन बने, लहराऊं इसे हिमालय पर मैं, यह मेरा कफन बने, यह मेरा कफन बने। यह तिरंगा कह रहा है अमर भारत देश है, यह तिरंगा दे रहा एक सत्य का संदेश है, यह तिरंगा धर्म की हर राह का सम्मान है, यह तिरंगा वेद की पावन धर्म की हर राह का सम्मान है, यह तिरंगा वेद की पावन ऋचा का ज्ञान है, यह तिरंगा स्वर्ग से सुंदर धरा कश्मीर है, यह तिरंगा झूमता कन्याकुमारी नीर है, यह तिरंगा पावन नदियों का त्रिवेणी रूप है, यह तिरंगा पावन नदियों का त्रिवेणी रूप है, यह तिरंगा सूर्य की पहली किरण की धूप है, यह तिरंगा भव्य हिमगिरी का अमर वरदान है, यह तिरंगा हर सिपाही का दिली अरमान है, यह तिरंगा विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, यह तिरंगा वीरता का गूंजता एक मंत्र है, यह तिरंगा विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, यह तिरंगा वीरता का गूंजता एक मंत्र है। बस कुछ ही पलों में हमारा प्रिय ध्वज आसमान की बुलंदियों को छूएगा।
प्राण हलक से खींचे हैं, लहू सींच कर चमन खिलाया, प्राण हलक से खींचे हैं। हमारी प्रथम प्रस्तुति अग्निव डे की है, बांसुरी की धुन पर ए मेरे वतन के लोगों।
शहीदों को ये अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की अग्निव डे केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने बांसुरी की धुन पर। मेरे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए एक गर्व का दिन है और गणतंत्र दिवस का समारोह मुख्य समारोह होता है दिल्ली में। इसका प्रमुख आकर्षण है राजपथ पर होने वाली आरडी परेड, जो कि विश्व विख्यात है। इसका भव्य नज़ारा देखने लायक होता है। आज हम सोमैया परिसर में आपके लिए राजपथ में होने वाले इस भव्य प्रदर्शन का एक लघु रूप लेकर आए हैं, एक लघु झांकी आरडी परेड की हम यहां आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं सोमैया परिसर में। परेड में सबसे आगे हैं निशान टोली, जिसमें है सीनियर अंडर ऑफिसर आर्यन भाले राव, कैडेट सृष्टि येड़के तथा जूनियर अंडर ऑफिसर श्रीतेज खैरनार। और अब आ रहे हैं आपके लिए राइफल स्क्वाड 1 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन एनसीसी, नेतृत्व कैडेट मानसी पवार, तथा राइफल स्क्वाड 6 महाराष्ट्र बॉयज बटालियन एनसीसी, नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट मोहित कागदे। और अब आ रहे हैं 1 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन एनसीसी का दस्ता। अगला स्क्वाड है 6 महाराष्ट्र बॉयज बटालियन एनसीसी का दस्ता।
अब आपके सामने आ रहा है सदैव सोमया परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने वाले ओडीएस सिक्योरिटी गार्ड्स का दस्ता। कितना शानदार नजारा है, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये है टैब्ल्यू, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स तथा एसके सोमैया विनय मंदिर, इन दोनों संस्थानों ने यहाँ अपने टैब्ल्यू प्रदर्शित किए हैं। केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की होगी पालकी या डिंडी, और ये है लेझिम टोली, महाराष्ट्र की मशहूर और प्राचीन लोक कला।
कितना शानदार भव्य और ऊर्जावान नजारा था ये भव्य परेड का। ये दर्शाता है कि भारत एक पूर्ण और उन्नत देश है। अब समय है भारत माता को अभिवादन करने का। चलिए मिलकर भारत माता को सलामी अदा करें। केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के वैष्णवी व्यवहार श्रीकांत सालवी और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता को सलामी। माँ तुझे सलाम। Mother.
भारत माता की जय। ये शानदार प्रस्तुति यह दर्शाती है कि सोमया विद्या विहार के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ दिल में देशभक्ति का जज्बा भी रखते हैं और शक्ति अपने गीत और संगीत की भी। कहते हैं अ चाइल्ड इज फादर ऑफ द नेशन, अर्थात आज के नन्हे बालक ही कल के भविष्य के निर्माता हैं। तो फिर ये समारोह उनके योगदान के बिना भला कैसे पूरा होगा? एसके सोमया विनय मंदिर के बाल वाटिका और प्राइमरी के विद्यार्थी प्रस्तुत कर रहे हैं एक स्किट। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल। श्री एसके सोमया विनय मंदिर प्राथमिक विभाग और बाल वाटिका के नन्हे मुन्ने बच्चों ने समाज सेवक का रूप धारण किया है। समाज सेवक जो हमारी रोज बरोज की जरूरतों को पूरी करते हैं। तो आज इस अवसर पर स्वतंत्रता सैनिकों के साथ उनको भी सलाम। तो पेश है नन्हे बालकों की स्किट। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, भारत माता को सलामी दो। मैं हूँ भारतीय सैनिक, हमेशा तत्पर रहता हूँ, अपनी देश की सेवा में कभी ना आने दूंगा आज। अपनी मातृभूमि की गरिमा में भारत ही है मेरी शान, मैं हूँ भारत की संतान। मैं हूँ एक डॉक्टर, देती हूँ सबको जीवन दान। कोरोना की इस युग में दोस्तों डॉक्टर ही है असली वॉरियर्स। खेलकर अपनी जान पर बन गए सुपीरियर, भारत ही है मेरी शान, मैं हूँ भारत की संतान। मैं हूँ भारतीय किसान, करता हूँ मैं कड़ी मेहनत दिन रात सुबह शाम। मुझ पर है करोड़ों के पेड़ भरने का भार, कभी आने नहीं दूंगा इस धरती पर भुखमरी का मार। भारत ही है मेरी शान, मैं हूँ भारत की संतान। उसकी तरक्की के लिए मुझे करना है
शिक्षित इसका मैं सदा रखती हूँ ध्यान, भारत की है मेरी शान, मैं हूँ भारत की संतान। मैं हूँ एक मोची, करता हूँ काम ताकि मिले मुझे रोजी रोटी, पर मुझे कोई गम नहीं इस बात का, क्योंकि कोई काम होता नहीं है छोटा, भारत ही है मेरी शान, मैं हूँ भारत की संतान। ये है पद्म भूषण कनिया करम शियादा, अज्ञानता को दूर कर कर ज्ञान की ज्योति जलाई है, इनके कारण ही लाखों बच्चों ने शिक्षा पाई है, के सर पर है इन सब की प्रगति का ताज, इज्जत देता है ये जमाना और समाज, खुद जल कर एक सुहाने दिए की तरह रोशन किया है उन्होंने हर समा, जितना हो सके शिक्षा पाने में सफल, तो अपने सपनों को नन्हे बच्चों में दिया मुकम्मल, जरूरतमंदों की मदद करते थे, बदले में दुआओं से अपनी झोली भरते थे, भारत की है मेरी शान, मैं हूँ भारत की संतान, भारत की है मेरी शान, मैं हूँ भारत की संतान, भारत की है मेरी शान, मैं हूँ की संतान। समा बांध दिया इन नन्हे मुन्नों ने अपनी मीठी मीठी तोतली बोली से, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। भारत अपनी समृद्ध नृत्य कला के बारे में विश्व भर में जाना जाता है, तो अगली प्रस्तुति हमारे लिए लाए हैं केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, जो हमें दो सांस्कृत नृत्यों की युति की झांकियां दिखाएंगे। साथ यही तक था, ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
दिल में देशभक्ति और साथ कला की शक्ति यकीनन बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन था। अब केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के विद्यार्थी हमारे लिए लाए हैं वतन से दूर एक देश प्रेमी की व्यथा, जो बयान करेंगे अपने गीतों में मिसबा और उनके साथी। न जाने इन हवाओं की महक क्यों मुझको भाती है, शायद ये हवा मेरे वतन को छू कर आती है। हेलो जहाँ मैं याद रहे तू।
गम की आँच आने नहीं दूर बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू प्राचीन काल से अध्यात्म के महत्व का वर्णन है स्वयं के अंतर में स्वयं की खोज अर्थात अध्यात्म और इसका सरल मार्ग है योग तन मन और आत्मा का जुड़ाव इसका अर्थ है योग हमारे शास्त्रों में अष्टांग योग का वर्णन है आज हमारे समक्ष केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की प्रिंसिपल डॉक्टर मनाली लोंधे योग की कुछ क्रियाएं प्रदर्शित करेंगी दो शुद्धि क्रियाएं वो प्रदर्शित करेंगी और साथ ही कुछ विद्यार्थी हमारे सामने योग के आसन का भी प्रदर्शन करेंगे मित्रों आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास भी योग का कोई तोड़ नहीं है और इसीलिए योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है 21 जून को आप सभी जानते हैं हम सब विश्व स्तर पर योग दिवस मनाते हैं
दंड धोती के नियमित अभ्यास से पित्त और कफ दोनों में राहत मिलती है, एसिडिटी कम होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख खुलकर लगती है। यह जठराग्नि को उद्दीप्त करती है, अर्थात ज्यादा मात्रा में पाचन रस तैयार होता है और पेट का मसल टोन भी इससे सुधरता है। मुंह से आने वाली दुर्गंध, गले में खराश और अपचन जैसे दोष दूर होते हैं। अस्थमा, कफ और गैस की समस्या से भी छुटकारा मिलता है और वजन घटाने में भी दंड धोती मदद करती है। प्रिंसिपल डॉक्टर मनाली लोंधे हम सबको प्रात्यक्षिक दे रही हैं दंड धोती की शुद्धि क्रिया का। अगली शुद्धि क्रिया होगी व्यसन नीति, परंतु उसके पहले हम कुछ योग मुद्राएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एसके सोमैया विनय मंदिर जूनियर कॉलेज के विद्यार्थी, हम सभी के सामने योग आसनों की मुद्राओं का प्रदर्शन करेंगे। साथ होगी लेजिम की धुन, ठीक है ना।
योगा कंप्लीट, योगा कंप्लीट होने दो मैडम साहब। आप प्रिंसिपल डॉक्टर मनाली लोंधे दूसरी शुद्धि क्रिया का प्रात्यक्षिक करेंगी, जो कि है वेसन नीति। वेसन नीति के कुछ फायदे, इसके नियमित अभ्यास से हमारा जो नेसल पैसेज है वो साफ हो जाता है और इसकी वजह से हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। वेसन नीति से हमारे नाक के साथ साथ गला, जुबान और कान की समस्या का भी समाधान होता है। नियमित अभ्यास करने पर नाक में जमा हुआ खून धीरे धीरे कम होने लगता है। वेसन नीति करने से हमारे ज्ञानेंद्रिय की क्षमता बढ़ती है और उसका कार्य सुधर जाता है। इसके नियमित अभ्यास से नाक की हड्डी बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल डॉक्टर मनाली लोंधे हम सबको इन क्रियाओं से लाभान्वित करवाने के लिए। केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के कुछ विद्यार्थी नेशनल इंटीग्रिटी अर्थात राष्ट्रीय एकता की थीम पर आपके सामने एक प्रस्तुति करेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों के परिधान से सजा यह टोली बहुत ही सुंदर थी। अब लेजियम टोली आपके सामने अपनी कला प्रदर्शित करेगी।
प्राचीन लोक कला है। हम युवा पीढ़ी के आभारी हैं इसे अपनाने के लिए। और अब अगली प्रस्तुति है सोमैया स्कूल से, जिसमें हमें गीत, नृत्य और क्रीड़ा, जिम्नास्टिक की एक फ्यूजन युति देखने मिलेगी। Thank you.
ही शानदार कला और संतुलन का बेजोड़ नमूना। हमारे विद्यार्थियों में कलाकार तो है ही और साथ ही रचनाकार भी हैं। अब मैं दीपक मौर्य को आमंत्रित करती हूँ, देश प्रेम से ओतप्रोत एक स्वरचित कविता हम सबके साथ। सभी को सुप्रभात, मैं दीपक मौर्य आज आपके सामने इस पावन 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी स्वलिहित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है ए वतन तेरे लिए। तो कुछ इस प्रकार लिखा है कि हर बाधा को उसने हंसकर पार किया, हर बाधा को उसने हंसकर पार किया, वतन के लिए खुद को त्याग किया। ना सुख ना समृद्धि ना सेहत का ख्याल किया, माँ की रक्षा में दुश्मनों का सिर काट दिया। घर परिवार दौलत सबका सुख उसने नाकार दिया, पिता और बेटे को सीना तान के चलने का अभिमान दिया। किसी सरकार या धर्म की जागीर नहीं था उसका शौर्य, पता नहीं था लौट के आएगा कि नहीं, पर मिट्टी की रक्षा में कफन अपने सर बांध लिया। आया जब शव तिरंगे में लिपट कर, आया जब शव तिरंगे में लिपट कर, पत्नी ने बेटे का हाथ में हाथ लिया और समझाया बड़े प्यार से इस कुर्बानी का मान। तब बेटे ने अपना आंसू पोछा और अपने हाथ में मशाल लिया और कहा कि जलता रहे पिता का शौर्य दीपक हरपल, कि जलता रहे पिता के शौर्य का दीपक हरपल, इस वादे से देह को आग दिया कि खुद को दिया वचन पिता के जैसे वीर बनूंगा, कि खुद को दिया वचन कि पिता के जैसे वीर बनूंगा, अपनी शौर्य गाथा मैं खुद ही लिखूंगा। मिल जाऊंगा मिट्टी में पर मिट्टी का मान नहीं मिटने दूंगा, मिल जाऊंगा मिट्टी में पर मिट्टी का मान नहीं मिटने दूंगा। चमकूंगा अपनी वीरता से सितारा बन हर घर में, चमकूंगा अपनी वीरता से सितारा हर घर में। चैन से रहने वाले ऐ मेरे वतन के लोगों, मैं किसी अंधेरे को घुसने नहीं दूंगा, मैं किसी अंधेरे को घुसने नहीं दूंगा। अंत में इतना कहना चाहूंगा कि सैनिक ना बन पाए तब भी सैनिक का धर्म समझे, घर में रहो तो भी देश के लिए अपना कर्म समझे, राष्ट्रगान गाने को लेकर कभी किसी से ना उलझे, हाथ बढ़ाए ऐसे कि समस्याओं को अपने तुरंत सुलझे। सरहद की रक्षा करे सैनिक हम भीतर करें, सिर कटे या ना कटे हर कोई खुद में बलिदानी होता है, शहीद अपना हो या पराया जब आंखों में पानी होता है, असल में वही एक सच्चा हिंदुस्तानी होता है, असल में वही एक सच्चा हिंदुस्तानी होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो, मर्मस्पर्शी शब्दों का चयन दीपक, बहुत सुंदर कविता। और अब मैं आज के उत्सव प्रमुख श्री समीर सोमैया सर जी से साग्रह निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। गणतंत्र दिवस के इस शुभ पर्व पर आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ हमारे दम में हो मेरे वतन की जीनत, जैसे फूलों की तरह हो
जैसे फूलों की खुशबू की तरह हो चमन में जीनत, किसी शायर का लिखा हुआ है। और आज हमारे सब बच्चों ने हमें यह दर्शाया है कि उन्हें उनके ही दम से है हमारे वतन की जीनत। बहुत ही अच्छा लगा। जो बात मुझे करनी थी वो सब ने आज कर ही दी। इकबाल का लिखा हुआ एक शेर है कि कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती ही नहीं। और मैं तो सोचता हूं कि यही बच्चों के कारण हमारी जो हस्ती है वो कभी मिटती ही नहीं। हमारे देश में है हमारी आध्यात्मिक संपत्ति, हमारी देश में है विविधता, हमारे देश में है स्थापत्य और कला का सौंदर्य, हमारा संगीत का माधुर्य, हमारा कृषि का ज्ञान, हमारी कृषि उत्पादन में पायदारी जिसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, हमारे योग और हमारे भोजन द्वारा हमारा आरोग्य, और हमारे देश में है हमारे भाषाओं की समृद्धि। मैं बहुत बार सोचता हूं कि क्या हमारे विद्या की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये जो हमारी समृद्धियां हैं, ये जो हमारी हस्ती है, क्या ये हस्ती हमारे विद्या व्यवस्था में शामिल है। जिस तरह से हमें जीने का मजा हमें लेना है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो किसी का कलाम हो, क्या हम उसे, या जो हमारा देश प्रेम है, जैसे हम कहते हैं कि भारत मेरी शान है, बच्चों ने कहा मैं भारत का संतान हूं, क्या हम वो भी हमारे विद्या व्यवस्था में लाते हैं। अगर हमारी हस्ती मिटनी तो नहीं चाहिए लेकिन और बुलंद होनी चाहिए, और उस को बुलंद करने के लिए हमें ये करना होगा। हमने पिछले साल ऐसे दो प्रयोग किए थे। एक था कि कर्नाटक में जैसे जीवामृत और पंचगव्य का इस्तेमाल होता है, हमने सोचा कि उसको वैज्ञानिकों के साथ उसका मिश्रण किया जाए और देखें कि क्या उसमें जो हमारा उत्पादन है और उसमें जो हमारी पायदारी है उससे किसानों को और हमारे आहार को उसमें ज्यादा हमें लाभ मिलता है कि नहीं। ये हमें मिला, हमने देखा, और अब हम यहाँ पे अपनी विद्या व्यवस्था में उसको शामिल करेंगे। उसी तरह से कच्छ में हमने एक पुराने ही रीत से एक नई इमारत बिल्डिंग की कॉलेज का निर्माण किया, और जो वहाँ पे जो हमारी एक संध्या करके पुस्तकालय संभालती है, संध्या ने हमें कहा कि रेगिस्तान है वो, 48 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे तापमान गर्मियों में पहुँचता है, लेकिन उसने कहा कि फिर भी गर्मियों में उसे कोई पंखे की जरूरत नहीं होती। तो फिर भी वही पूछेंगे कि क्या हमारी ये जो पुरानी जो हमारी जो कला है, हमारा ज्ञान है, उसे हम किस तरह से हमारे विद्या व्यवस्था में शामिल करें। आखिर हमें सब अपने देश को का नाम रोशन करना है। ऐ वतन मेरे, मेरे वतन आबाद रहे तू, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तेरी से। उस तरह का वतन हम साथ बढ़ाएं जिसमें सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आग्नुयात। सभी खुश हों, सभी सुखी हों, किसी को दुख और दर्द महसूस न करे हो, और सभी भय से मुक्त हों। आप सब यहाँ पे आए हमारे इस पर्व में, हमारे साथ हम खड़े रहे, आपके आप हमारे साथ खड़े रहे, आपने हिस्सा लिया, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद समीर सर, ये आपके प्रेरणादायक विचार ही हैं जिससे सभी विद्यार्थीगण और शिक्षकगण लाभान्वित होते रहते हैं और प्रगति कर रहे हैं।
आपने हमें अवगत कराया कि आप किस तरह से प्राचीन कलाओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ला रहे हैं। हम सब बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि हमेशा के लिए भारत की प्राचीन कलाएं यहाँ जीवित रहेंगी। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है माया सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट से। ये है एक आसामीज देशभक्ति गीत। यह गीत आसामी भाषा में है, इसलिए मैं आपको इसका सरल अर्थ बता देती हूँ। इसका अर्थ है, इस धरती के प्यार में मैंने इसे चूम लिया है, इस धरती में ही मैंने अपने जीवन चित्र को बना बना कर मिटा डाला है। ना हमें आकाश के रंग चाहिए और ना हमें समुद्र के माणिक, हम अपनी धरती में ही अपना संपूर्ण आनंद तलाश करेंगे। Thank you.
अत्यंत सुंदर। धन्यवाद माया सोमया स्कूल। अब एक और प्रस्तुति के बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहती हूँ। यह प्रस्तुति मंच पर नहीं होगी, परंतु शुरू से आखिर तक हमारे साथ साथ चल रही है। वो है सोमया परिसर के सौंदर्यकरण। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे परिसर को इतना सुंदर तीन रंगों से सजाया है। केजे सोमया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और एनएसएस के विद्यार्थियों ने। हम सभी का प्यारा तिरंगा सदैव विजयी बनकर गगन की ऊंचाइयों को यूं ही छूता रहे, स्वच्छंद होकर यूं ही फहराता रहे। इसी मनोकामना के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के समापन की घोषणा की जाती है। सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थीगण गार्गिक प्लाजा में तथा अध्यापकगण सोमया स्कूल के दादा गार्डन में पधारें। कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जय हिंद। Oh, kept it. Oh, nice.